भाई कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी श्याम नगर में, और एक वीडियो दिखाई थी देवकी नगर में यशोदा नगर पे गुप्ता जी वालों की ना, जो ई रिक्शा पे लगाते थे, ई रिक्शा से हटा के वो जो पीछे देख रहे हो पीछे, वहाँ पे होती थी इनकी दुकान पंजाब नेशनल बैंक के बाहर देवकी चौराहे के पास। लेकिन अब वो जो दुकान थी वो बढ़िया से रेस्टोरेंट हो चुका है गुप्ता जी मलाई चाप वालों का। और पास से दिखाई दे रहा कि गुप्ता जी मलाई चाप वालों के पास बहुत सारी वैरायटी चाप की है, जो हमने आपको पहले भी दिखाई हुई है। लेकिन और जो इनका श्याम नगर वाला आउटलेट है वो भी दिखाया हुआ है, काउंटर है, ठीक है। यहाँ का जो काउंटर है वो आपको दिखाना बाकी था, तो हमने सोचा कि आज वो भी दिखा दिया जाए। सबसे पहले इनकी बैठने की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पर 8-10 आदमी आके बैठ के आराम से खा सकते हैं। और इनके पास बहुत सारी वैरायटी है जो कि इस मेन्यू में दी गई है, देख रहो, तंदूरी चाप है, पनीर टिक्का है, तंदूरी मोमोज़ हैं, ठीक है, हाफ फुल के प्राइसिंग है, और पनीर रोल है, चाप रोल है, तंदूरी मशरूम है, पाइनएप्पल है, बहुत सारी वैरायटी है। और इन सबको पेश करने वाले हैं विपिन गुप्ता जी, लेकिन वो अभी यहाँ हैं नहीं, तो उनसे बात ना करते हुए भैया से बात करते हैं, जो भैया यहाँ पर देखते हैं, कारीगरी करते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं। भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि भाई ये बताइए, ये जो शॉप है यहाँ कितनी पुरानी हो गई? सबसे पहले यही बताइए। 3 साल पुरानी हो गई। 3 साल पुरानी हो? पहले इसका कार्ट उधर लगता था? जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के बाहर। जी जी, अब ये सामने हो गई है। जी, अब यहाँ पे रेस्टोरेंट हो गया। रेस्टोरेंट हो गया, बैठने की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो यहाँ रेस्टोरेंट का क्या टाइमिंग है? टाइमिंग 2 बजे से होती है ओपनिंग यहाँ पे। अच्छा, दोपहर 2 बजे से। क्या क्या वैरायटी है अपने पास? सारी वैरायटियाँ मिलेगी, पनीर टिक्का मिलेगा हमारे पास, मोमोज के काफ़ी फ्लेवर भी मिलेंगे। भाई काफ़ी सारी चाप हमको देखने को दिख रही है, आप बताते जाओ, ये पनीर टिक्का? पनीर टिक्का है, ठीक है, इसमें सारी वैरायटियाँ मिलती हैं। अच्छा। काली मिर्च चाप है अपने पास, काली मिर्च का भी फ्लेवर आता है, हरियाली का भी फ्लेवर आता है, अचारी का भी फ्लेवर आता है, जिंजर गार्लिक का भी फ्लेवर आता है, ठीक है। और आगे उसके बाद मोमोज आते हैं ये हमारे, बहुत बढ़िया, जो पनीर टिक्का में वही मोमोज में मेरे भी फ्लेवर्स हैं, मलाई मोमोज भी होता है, मलाई पनीर टिक्का भी होता है, ठीक है। ये हमारी हरियाली चाप है, बहुत बढ़िया, हरे कलर में, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, ये पनीर स्टफ चाप। पनीर स्टफ चाप, हाँ, इसके अंदर पनीर की स्टफिंग होती है मसालेदार, बहुत बढ़िया भाई। और उसके बाद ये आती है अचारी चाप, इसमें अचार का फ्लेवर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारी पंजाबी चाप, रेड कलर की, बहुत बढ़िया, इसमें हल्का स्पाइसी डाल करके, क्रीम डाल करके स्पाइसी बनाया जाता है। और इसी में एक फ्लेवर आता है मसाले चाप का, जिसको ज़्यादा स्पाइसी तीखा चाहिए होता है वो इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है, बढ़िया भाई। और ये हमारा है मलाई चाप, इसमें भी काफ़ी फ्लेवर आ जाते हैं आपके, हरियाली चाप और ये पंजाबी अचारी चाप को छोड़ करके इसमें मलाई चाप, काली मिर्च चाप, जिंजर गार्लिक अभी काफी फ्लेवर इसमें भी बन जाते हैं। अच्छा, ठीक। तो हमने सुना है ग्रेवी का आइटम भी यहाँ पे बढ़ गया। हाँ, ग्रेवी आइटम लगा है, जैसे कि ये हमारे पास कढ़ाई चाप हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया, वेज कीमा चाप हो गया, मटर मशरूम हो गया, मटर पनीर हो गया। अभी हमारे पास ये काठी कबाब की सुविधा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, हाँ, शुरू होने वाला है, जल्दी शुरू होगा। हमारे पास ये मिक्स ग्रेवी है, चाप, पनीर, मशरूम प्लस ग्रेवी। जी, मतलब एक ही में तीनों? हाँ, तीनों वैरायटियाँ इसी में मिलेंगी। ये हाफ और फुल के ऑप्शन है? जी जी हाँ, ये हाफ और फुल के ऑप्शन है आपके, 120 की, 130, 130, ये हाफ का है और ये फुल का है। तो काफ़ी हमको लग रहा है आप पुराने ही हो, काफ़ी समय से आपको सारी चीज़ें अंदाजा है, तो अभी आप हमारे लिए क्या बनाओगे जिसकी हम मेकिंग पूरी दिखा सकें? तो भाई अब हम अपनी ग्रेवी वाला आइटम बनवा रहे हैं ना, तो हमने सोचा टिक्का और ये सारी चीज़ें ना खा के भैया का एक ये वाला मस्त ट्राई, जो लिखा ना चाप पनीर मशरूम ग्रेवी, ट्राई किया जाए। तो हमने सोचा उसकी मेकिंग भी आपको दिखा दी जाए। तो सबसे पहले भैया ने मशरूम ले ली है, चाप ले ली है, पनीर ले ली है। तो भाई अब शुरू हो चुकी है इसकी प्रिपरेशन, हो चुकी है। भैया ने कढ़ाई में तेल लिया, और तेल लेने के बाद शिमला मिर्च आ गया है, चुके हैं कटे हुए प्याज। अब इसमें आ गए इनके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, चाप है, मशरूम है, पनीर है, सब कुछ आ गया। तो भाई स्पाइसी के लिए यह मसाला आ गया इनका बढ़िया सा। तो भाई इसमें ग्रेवी भी ऊपर से आ गई है पूरी कंप्लीट। ये ग्रेवी आपकी किस चीज़ की बनी हुई रखी हुई है? ये टमाटर प्याज की है भैया, क्योंकि भाई यहाँ पे भीगल के तरीके से भैया यहाँ पे सर्व करते हैं, काफ़ी प्रीमियम। ये हमारे यहाँ क्रीम है, ग्रेवी में टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी जब ट्राई किया गुप्ता जी पे, तो इन्होंने क्रीम मक्खन में कभी कोताही नहीं करी जी। और ग्रेवी के आइटम हमको लग रहा है टक्कर देने वाले हैं आगे के, और भी जो ब्रांड्स हैं दिल्ली के उनको भी टक्कर दे रहे हैं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई।
भाई यहाँ की जो और भी ग्रेवियाँ हैं उनको भी हम ट्राई करने आते रहेंगे और भी वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी जो मेकिंग हुई है वो भाई हमको गजब की तो देखने में लग ही रही है। तो भाई कंप्लीट होकर के ग्रेवी आ चुकी है, हमारी प्लेट के अंदर आ चुकी है। इसमें आ गया है पनीर, आ गया थोड़ी सी क्रीम भी आ जाएगी। तो भाई पूरी की पूरी मेकिंग आपको दिखा दी, इनकी जो स्पेशल थी भैया ने कहा ना था मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई में क्या था ये देखो, पास से देख लो, चाप है, पनीर है, मशरूम है, प्लस ग्रेवी है, प्लस एक रुमाली रोटी की पूरी हमने मेकिंग आपको दिखाई। ये जो बन करके आई ना ग्रेवी, इसमें बहुत गजब की चीज़ें मिली हैं। क्या मिली है, कैसा स्वाद है, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको खाते हैं, देर नहीं करते हैं। ये आ गई रुमाली रोटी, और रुमाली रोटी के साथ इनके यहाँ जो ग्रीन चटनी चला करती थी अभी भी वही है, ठीक है, ग्रीन चटनी भी है, प्याज भी आ गए हैं। सबसे पहले इसको ग्रेवी को बिना किसी चटनी और के साथ खाएंगे पहले। भाई टेस्ट तो है, गजब का टेस्ट है, और जैसा चाहोगे वैसा टेस्ट करवा लो। हल्का स्पाइसी चाहिए हल्का स्पाइसी करा लो, ज़्यादा स्पाइसी चाहिए ज़्यादा स्पाइसी करा लो, हल्का क्रीम मक्खन बढ़वाना है तो वो भी बढ़वा लो, भैया कहना है वो भी बढ़वा लो, लेकिन जब तक टेस्ट ना आए तब तक पैसा नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वो खाएंगे क्योंकि जो ग्रीन चटनी है इसको देखना पड़ेगा। ये देखो ये ग्रीन चटनी है और इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी वाला आइटम, ये देखो ये करो गर्म गर्म। भाई ऑसम सा फ्लेवर आया है, मज़ा आ गया इसको खा के। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर रहने वाले हो या भाई कभी भी उसमें कानपुर आने वाले हो तो क्या करिए, आइए यशोदा नगर देवकी नगर में जो पंजाब नेशनल बैंक है ना उसके जो सामने वाली गली में बढ़िया सी ये शॉप है गुप्ता जी चाप वालों की, जिनका कहना ये है कि गुप्ता जी की 100% चाप सोयाबीन की है, मार्केट की तरह नहीं मैदे वाली। तो भाई इनका कहना भी है और टेस्ट भी वही है, गजब का टेस्ट है, बढ़िया सा फ्लेवरफुल, मज़ा आ गया इसको खा के। तो यहाँ पे ज़रूर आइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करिए, 8-10 लोग की आराम से सेटिंग है, यहाँ पे बैठ के खाइए, अन्यथा पैक करिए घर पे खाइए। और भाई वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों शेयर करिए, कमेंट करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और भैया इनके यहाँ जोमेटो स्विगी की भी सुविधा उपलब्ध है, धन्यवाद।